हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सब सेफ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये चकोर में बनाया फ्रेंड्स मैंने, और साथ में इसकी ये झालर का लुक दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 50 फंदे से बनाया है, और ये किसी की रिक्वेस्ट थी कि मैम हमें 50 फंदे का बताइए। तो मैं ये रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। पहले भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है चुन्नी से बना के, लेकिन वो मैंने छोटा बनाया हुआ था, ये काफ़ी बड़ा बनाया है, पूरे 50 फंदे का है फ्रेंड्स। और देखिए, मैंने इसमें ये 4 कलर का यूज़ किया है। आप इसको 2 कलर में भी बना सकते हो, सिंगल कलर से भी बना सकते हो, और मल्टी कलर में भी बना सकते हो। तो डिज़ाइन को समझने के लिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने 32 फंदे से बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चुन्नी से बना रखा है, साड़ी और चुन्नी से। अगर आप कहोगे तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिए इस डिज़ाइन को। ये मैंने साड़ी और चुन्नी से बनाया है, और आज फ्रेंड्स मैं इस आपको ऊन पे बताऊंगी, वूल पे, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा बनेगा जो मैं आज बना के दिखाऊंगी। तो इतनी मेरे पास चुन्नी और साड़ी नहीं थी जो ये पूरा कंप्लीट बन जाता, तो इसलिए मैं, अगर साड़ी और चुन्नी से बनाना हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए। और ये फ्रेंड्स मैं 50 फंदे से बनाऊंगी। 50 फंदे से देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। ये मैंने डबल कर रखी है, पुरानी ऊन थी, आप सिंगल से भी इसको बना सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे, एक नोट लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, जिसको डालने आते हैं वो अपने हिसाब से डाल लीजिए। ये देखिए, ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। तो मैं इसमें 50 फंदे डाल लेती हूँ, फिर हम अपना ऊपर इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही मैं इसमें फंदे डाल लूँगी। तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, 50 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद देखिए, फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे, उल्टा उल्टा हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, सारे ही फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो मैं इस रो को यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। देखिए, पूरी रो उतार ली है, किनारे वाले को आप ऐसे सीधा बनाइए। अब देखिए, एक साइड से हमने उतार लिया, अब इस साइड से भी फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे। इसको फ्रेंड्स हम एक बार बनाएंगे, एक साइड से ऐसे उतारेंगे, और ये पूरी रो भी मैं ऐसे ही उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करूँगी। दोनों साइड से हमने बनाना इसको उल्टा है, तो इस रो को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये रो भी मैंने उतार के कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए, दो रो उतारी हैं फ्रेंड्स, जब मेरी ये एक लाइन बनी है, ये वाली, ये आप देख सकते हो। तो दो रो उतारने के बाद ये एक लाइन बनी है, ऐसी ऐसी हम तीन लाइन और बनाएंगे, चार चार लाइन। ये देखिए, इसमें भी फ्रेंड्स मैंने ये चार चार लाइन बनाई है, 1 2 3 4, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही हम इसमें चार लाइन बनाएंगे, एक बना ली, तीन मैं और बनाऊंगी, 6 रो मैं और उतारूंगी, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से, फिर उल्टी तरफ से, फिर एक सीधी और उल्टी। ये देखिए, ऐसे मैं इसमें तीन लाइन और बना लेती हूँ, फिर हम उसके बाद ऊपर अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने 1 2 3 4, चार लाइन हमारी बन गई हैं। ये आप इस साइड से भी देख लीजिए, 1 2 3 4, और ये हमारी उल्टी साइड है, ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। तो अब यहाँ से हम अपने फंदे घटाएंगे, जिससे कि हमारी झालर बनेगी जैसी ये इसमें बनी हुई है। ये देखिए, ऐसी हम इसमें झालर बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 50 फंदे हैं मेरे, तो मैं यहाँ पे 5-5 फंदे घटाऊँगी। अगर आप 40 फंदे का बनाओ तो उसमें 4-4 फंदे घटाइए, 30 का बनाओ तो 3-3 फंदे का, ऐसे आप पैर बना लीजिए। ध्यान से देखिए, दो फंदे का एक कर दिया, फिर से वापस डाल लेंगे, एक घट गया हमारा, 2 3 4,
और अब मैंने पांच पांच का पेयर बनाया। फ्रेंड्स तो ध्यान से देखिए, पांचवा फंदा मैं दूसरे कलर से घटाऊंगी। अगर आप सिंगल कलर से बना रहे हो तो इसी से घटाइए, मैं यहाँ पे दूसरा कलर लेऊंगी तो पांचवा फंदा मैं दूसरे कलर से घटाऊंगी। और आप इस थ्रेड को ऐसे खींच दीजिए, इसकी आप यहाँ पे नोट लगा लीजिए। ये भी मेरे पास पुरानी ऊन है, डबल है, डबल की है मैंने इसको। तो देखिए डबल करने से काफ़ी मोटा स्टफ इसका बनेगा। और इस थ्रेड को फ्रेंड्स आपने ऊपर तक लेके जाना है पिंक वाले को, क्योंकि जब हम ये ग्रीन पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसको इससे बनाएंगे, तो ये हमारा बैक साइड से ऊपर जाएगा। इसको आप अंदर ऐसे दबा लीजिए और ये सारे ही फंदे हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने घटा लिया, इस रो को मैं ऐसे ही उतारूंगी, फिर मैं इस साइड से इसकी भी फ्रेंड्स मैं ऐसे ही मैं 8 रो उतारूंगी, जैसे मैंने इसकी उतारी है। तो 8 रो मैं उतार लेती हूँ, फिर एक बार और इसको मैं आपको घटा के दिखाऊंगी। ये देखिए इसकी भी मैंने ये 4 लाइन दूसरे कलर की भी बना ली है, एक बार आप देख लीजिए। हम इनको अब घटाएंगे, देखिए 2 का 1 किया, फिर से डाल लेंगे, ये दूसरा फंदा घटा दिया, ये तीसरा फंदा घटा दिया, ये चौथा फंदा, और अब ये पांचवा फंदा जब हम घटाएंगे तो हम अपना इसमें सेकंड कलर, ये देखिए इस थ्रेड को आप ऊपर साइड से लेके आइए और पांचवा फंदा हम दूसरे कलर से घटा देंगे। इसको आप खींच दीजिए, देखिए ऐसे ही हमने यहाँ पे 4-4 लाइन बनाने के बाद 5-5 फंदे ऐसे ही हमने घटाने हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये घटा लेती हूँ, एंड में हमारे ऊपर 5 फंदे बच जाएंगे। ऐसे ही आप अपने कलर चेंज कर लीजिए, 5 फंदे जब मेरे ऊपर बच जाएंगे तो तब तक मैं बनाऊँगी, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। देखिए इसके यहाँ पे मैंने नोट लगा दी है, इस थ्रेड को अगर आपको यूज़ नहीं करना तो इसको भी काट के इसके साथ आप यहाँ पे नोट लगा दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं, जितने हमने फंदे यहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया था उतने ही फंदे हम इसमें उठाएंगे। 50 फंदे से स्टार्ट किया था तो हम यहाँ से लेके सारे ही इसमें 50 फंदे उठाएंगे। एक हमारा ये है, ये देखिए ये जो लाइन आपकी इस साइड से दिखाई देगी जो सीधे साइड से, आपने इस पर से उठाना है। तो देखिए एक हमने ये उठा लिया है, आप दूसरे निडल से आप उठा लीजिए। ये देखिए हम इसको बनाएंगे, ऐसे उठा लीजिए और आप इसको जो भी आपने कलर लगाया है इस कलर से ऐसे बना लीजिए। ऐसे ही हमने सारे इसमें फंदे उठाने हैं, एक एक पट्टी में से 4-4 फंदे आप उठा लीजिए। ये देखिए हम फिर से फंदा उठाएंगे, आपको ये अलग से दिखाई देगा, जो हमने ये सीधा फंदा बनाया था वही उठाना है आपने। ये देखिए एक पट्टी में से हमने 4 उठा लिए, 4 हम इस पट्टी में से उठाएंगे। एक बार आप इसके भी देख लीजिए, इसको हम ऐसे फिर बना लेंगे। ये वाला आपने ये चेन वाला फंदा, ये वाला अलग से दिखाई देगा, देखिए 1, 2, 3 और ये एक हमने उठा लिया 4। ये वाला नज़दीक से देखिए, ये वाला फंदा आपने उठाना है, एक एक पट्टी में से आप 4-4 फंदे उठा ली, 5-5 फंदे सॉरी 5-5 फंदे उठा लीजिए, तो हमारे एंड तक फंदे पूरे हो जाएंगे। ऐसे बिल्कुल चेन वाला, इसमें टाइम लगेगा फ्रेंड्स थोड़ा सा, ऐसे ही मैं सारे फंदे उठा लूँगी। एक एक ये जो चेन आपको दिखाई देगी इसमें से आपने ऐसे फंदा उठाना है, ये देखिए अलग से दिखाई देगा आपको। तो फ्रेंड्स मैं ये फंदे उठा लेती हूँ, मैं यहाँ तक फंदे उठाऊँगी, 50 फंदे आप भी उठा लीजिए, फिर हम उसके बाद ऊपर का बनाएंगे। ये देखिए सीधी साइड से इसकी ऐसी लुक आएगी, तो मैं उठा लेती हूँ। ये देखिए पूरे मैंने इसमें यहाँ से ले कर यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं, एक फंदा बचा हुआ है, तो ये भी हम अपना कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने पूरे अपने 50 फंदे इसमें उठा लिए हैं।
ये देखिए कलर आप यहाँ पे कोई भी लगाओ। तो अब हम अपना यहाँ पे डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पहले बनाया है कलर, हमने बैक साइड से इसमें लगा लिया। अब हम ये पूरी रो ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो मैं इस रो को उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए किनारे का फंदा हम सीधा बना देंगे। इस साइड से भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए एक लाइन हमारी ये बन गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तीन लाइन और बनाऊंगी जैसे इस साइड बनाई है, फिर हम यहीं से अपने फंदे कटाएंगे। तो मैं इसमें वो तीन लाइन और बना लेती हूँ, छह रो। उसके बाद फिर मैं आपको एक बार ऊपर का बताऊंगी, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस कलर की मेरी ये चार लाइन कंप्लीट हो गई हैं। और इसी साइड से हम कटाएंगे। ये देखिए यहाँ से फिर से मैं पांच फंदे इसमें कटाऊंगी। एक बार और देख लीजिए, फिर मैं इसको कंप्लीट करूंगी। देखिए दो का एक किया, एक फंदा कट गया, दो, तीन, चार, और पांचवा फंदा घटाएंगे तब मैं इसमें एक कलर और ऐड करूंगी। ये देखिए इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे और ये पूरी रो इसको आप थ्रेड को अंदर ले लीजिए। पूरी रो हम इससे बनाएंगे, इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए। एक बार इसको भी अंदर दबा लीजिए, ये और टाइट हो जाएगा। ये देखिए अब मैं पूरी रो इससे बनाऊंगी, फिर मैं चार लाइन इस कलर की बनाऊंगी। ऐसे ही मैं इसी साइड से घटाती हूँ पांच पांच फंदे। जैसे हमने ये पार्ट कंप्लीट किया है, ऊपर मेरे पांच फंदे बच जाएंगे इस रो में। तो पांच फंदे बचने तक मैं ऐसे ही बनाऊंगी, कलर चेंज करती रहूँगी और ये आठ आठ रो ऐसे ही बनाऊँगी जैसे नीचे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये अगला फ्लावर फिर हम इसी कलर का बनाएंगे, तब हमारे आमने सामने कलर सेट हो जाएंगे। और इसमें मैं ये दो कलर अलग लगाऊंगी। ये फिर ये जो सेकंड हम फ्लावर बनाएंगे, ये फिर हम फोर्थ बनाएंगे, फिर हमारे ये इस कलर के आमने सामने हो जाएंगे। तो मैं इसमें पांच फंदे रहने तक ऐसे ही साइडों में फंदे घटाती रहूँगी और ऊपर तक इसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये दूसरा पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया है। इसमें भी ये 10 लाइन बनी हैं। पहला पार्ट हमने ये बनाया, दूसरा मैंने आपको स्टार्टिंग करके बताई थी, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ऊपर इसके अब ये पांच फंदे बच गए हैं। अब फ्रेंड्स हम ये जो हमने पहला बनाया है, अब मैं इसमें ये ऊपर कलर लगाऊंगी तो हमारे फिर ये आमने सामने फ्लावर सेट होंगे। आप जो भी कोई कलर लगाओ, अगर आप एक कलर के बना रहे हो तो एक कलर के भी आप बना सकते हो। ये देखिए फिर से हम अपने फंदे घटाएंगे, दो फंदे का ये मैंने एक कर दिया। देखिए दो फंदे कट गए, तीसरा फंदा कट गया। इस बार हम इस पे जब लास्ट वाला घटाते हैं फ्रेंड, तो हम चार ही फंदे घटाते हैं। फिर मैं इसमें अपना कलर चेंज करूंगी, एक फंदा हम ऊपर रखते हैं, सारे भी घटा सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे मैंने वही कलर लगाऊंगी मैं जो मेरा पहले फ्लावर में था। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए। ये देखिए ये एक फंदा हमारे पास बच गया। अब देखिए अब हमने फंदे उठाने हैं फ्रेंड्स। आपको ये लाइन दिखाई देगी, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। हमने यहाँ तक ही फंदे उठाने हैं, आगे के फंदे नहीं उठाने। यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे, इस ज्वाइंट तक 50 फंदे हम इसमें ऐसे ही उठाएंगे। एक बार आप देख लीजिए, पांच पांच फंदे हम इस पट्टी में उठाएंगे। एक हमारा ये इसमें है, इसमें मैं देखिए चार और उठाऊंगी। ये आपको अलग से दिखाई देगी, बिल्कुल ये चेन है जो यहीं से आपने ऐसे फंदा उठाना है और ऐसे बनाना है। दो हो गए हमारे, ये देखिए ये तीन हो गए। ये जो चेन आपको दिखाई देगी, ये देखिए इसमें से, ये देखिए ये चार हो गए और ये लास्ट पांचवी है, इसको हम यहाँ से उठा लेंगे।
ये देखिए आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। अगला फिर देखिए, एक बार स्कोर देखिए, ये हमने जो फर्स्ट वाली लाइन है हम यहाँ से फंदा उठाएंगे, दूसरी डब्बी में से देखिए, एक आपको अलग से दिखाई देंगे ये देखिए, जो दूसरी चेन है ये देखिए, दो, फिर ये देखिए ये जो तीसरी है, तो मैं दोनों ही उठाऊंगी, ये देखिए, ये हमने तीसरा उठा लिया, सारे फंदे, लास्ट का भी मैं पांचवा फंदा भी ये इसी कलर की लास्ट वाली चेन में से उठा लूंगी। देखिए ऐसे ही हम इसमें पांच पांच फंदे हर इसमें से लाइन में से उठाते जाएंगे, और यहाँ तक मैं 50 फंदे इसमें उठा लेती हूँ। फिर मैं एक बार आपको ये फंदे उठाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये हम तीसरा फ्लावर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहीं तक हमने फंदे उठाने हैं, मैं उठा लेती हूँ। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फंदे उठा लिए, यहीं तक हम फंदे उठाएंगे। एक फंदा मेरा बचा हुआ है, ये देखिए कलर हमने दूसरा अपना लगा लिया। इस साइड से अब हम इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे, और यहाँ से जब जैसे हमने नीचे चार चार लाइन बनाई है, चार लाइन के बाद मैं इसमें ये दूसरा कलर लगाऊंगी, और इसी साइड से हमने अपने फंदे घटाने हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको देखिए ये फ्लावर बनाने के बाद, इसके बाद मैं एक फ्लावर और बनाऊंगी, यहाँ पे हमारा एंड होगा। तो ऐसे ही हमने फंदे उठाने हैं, ये मैंने फंदे इसलिए उठा के दिखाए हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये है ऐसे हमारी यहाँ तक दो फ्लावर की लंबाई थी, तो हमने हाफ तक ही अपने फंदे उठाने हैं। इसके बाद मैं ये फ्लावर बना के इस ये कलर लगाऊंगी, फिर मैं फोर्थ वाले फ्लावर में, तो मैं वो कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। सेम ऐसे ही हमने फंदे उठाने हैं, ऐसे ही बनाना है और अपने कलर चेंज करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए फोर्थ वाला फ्लावर भी मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ से हमने इसमें ये वाला थर्ड वाला, यहाँ से हमने इसमें फंदे उठा लिए थे, फिर इसके बाद मैंने ये बनाया। यहाँ पे आने के बाद देखिए जब मेरे 5 फंदे रह गए, तो ये घटाने के बाद यहाँ से फिर से मैंने 50 फंदे इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 फंदे मैंने उठाए, जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे 50 फंदे उठाने के बाद। और फिर मैंने इस फ्लावर को कंप्लीट किया, फोर्थ वाले को। ये देखिए आमने सामने हमारे कलर के ऐसे सेट हो गए, सबसे पहले ये बनाया, फिर ये दूसरे कलर का बनाया। आप फ्रेंड्स इसको प्लेन भी बना सकते हो, सिंगल कलर का आमने सामने, और इनमें लाइन डाल सकते हो, आप अपने तरीके से इसको किसी भी तरह आप इसमें डिजाइन लगा सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, ये बनाया, फिर ये बनाया, और अब ये बनाया, और इसकी इतनी ही हमने यहाँ से सिलाई करनी है फ्रेंड्स। और ये देखिए बीच में इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, और ये जो आपका थ्रेड है इसको आप साथ के साथ ऐसे साइड से ऊपर लेके चलिए, ऐसे वो तो बैक साइड से भी बहुत ही सफाई के साथ बन के आपका कंप्लीट होगा। देखिए कहीं पे भी इसमें कोई भी नोट नहीं है, ये देखिए। अब हम इसको बंद कर लेंगे, ये फंदे अब हम आगे इसमें कोई फंदा नहीं उठाएंगे, यहीं पे हम इसका एंड करेंगे। तो 5 फंदे मेरे बचे हुए हैं फ्रेंड्स, पांचों ही फंदे मैं यहाँ पे वाइंड ऑफ कर दूंगी। डबल ऊन है मेरी, कई बार इसमें से बीच में से नीडल निकल जाती है। ये देखिए पांचों ही फंदे हमने कटा लिए, अब हम इसको काट देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड को काट दिया है, और इसको हम यहीं पे पक्का कर देंगे, ये देखिए। और अब फ्रेंड्स हम इसकी ऐसे हम इसकी सिलाई कर देंगे, ये देखिए एक इस साइड से एक इस साइड से, जैसे हमारे
ये वाले फ्लावर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही हमारे ये हो जाएंगे। ऐसे हम इनके ऊपर से सिलाई करनी शुरू करेंगे, ऊपर से सिलाई करते हुए नीचे जाएंगे। देखिए ऐसे हम इनकी, ये एक्स्ट्रा थ्रेड है फ्रेंड, आप इनको अंदर पक्का करके बाद में हम इनको काट देंगे। मैं एक बार आपको बता दूं कि इसकी हमने सिलाई कैसे करनी है। दोनों साइड से आपने ऐसे इनको सिलना है। ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, आप इनको अंदर लेके पक्का कर दीजिए। यहाँ से देखिए, फिर से इस साइड से हम लेंगे एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से, ऐसे हम इनको सिलाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से लेके और मैं यहाँ तक इसकी सिलाई करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई भी इसमें बीच में होल नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे हमारा यहाँ पे ऐसे मैच होगा। तो मैं इसको सील देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए एंड तक मैंने इसको सील दिया है, अब हम इसको पक्का भी कर दिया है मैंने थ्रेड को। मैं इसको काट दूंगी, ये एक्स्ट्रा थ्रेड जितने भी हैं हम बाद में काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स फाइनल इसकी ये काफ़ी बड़ा बनके कंप्लीट हुआ है और ऐसे इसकी लुक आई है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।